सब कुछ पीछे रखा, हमको आगे आना। और ये जब तक थिंकिंग, ये जो टीम वर्क है ना, जब तक हम लोग एक टीम जैसा नहीं सोचेगा कि हम लोग उठे भी तो एक साथ उठे, मरे भी तो एक साथ मरे, फाइट भी करे तो एक साथ करे, तभी तीव्रता को कुछ मिलेगा। जब तक ये सोच आप लोग यूथ लीडर्स में भी अगर आप लोग अपने माथा में नहीं लगाया ना, तो आप भी वही गलती करेगा जो इससे पहले किसी और लीडर ने किया। सैक्रिफाइस का मतलब, बलिदान का मतलब सिर्फ भाषण देने से नहीं है। आप लोग अंदर देखो कि आज अगर कोई यहां में आके बैठे तो सबसे पहले चेयर देने के लिए कौन खड़ा होगा, अपना चेयर देने के लिए तैयार है। अगर कोई बाहर से आए और फ्रंट रो में बैठा है, अपना चेयर से सेकंड रो में या थर्ड रो में कौन खड़ा होकर बोल सकता है, आप मेरे चेयर पे बैठ जाओ, मैं यहां बैठी हूं। कितना लीडर का ये क्षमता है, इसको आप लीडर नहीं बोल सकता है जो अपना चेयर पे बैठ के है। करप्शन, मैं करप्शन में बहुत बात करना चाहता हूं। लेकिन अब ये प्लेटफॉर्म नहीं रहा, लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, जो लोग बोलते हैं कि करप्शन में, करप्शन होने के लिए सबसे पहले रुपया का दरकार होता है, रंग का दरकार होता है, और स्टेट गवर्नमेंट ने एडीसी में रंग दिया ही नहीं तो करप्शन क्या करेगा। लेकिन यूथ, मैंने जब आज से 18 महीने पहले YTA को शुरू किया था, यहां में YTA प्रेसिडेंट के रूप में, मैंने क्या सोच के YTA को शुरू किया कि आप कंट्रोल करेगा सोसाइटी को, लेकिन मैं क्या देख रहा हूं, बहुत लीडर्स YTA में है जो वही गलती कर रहा है जो इससे पहले दूसरा लीडर ने किया। सबको पोस्ट चाहिए, सबको पोजीशन चाहिए। आज अगर गुबागरा कोई इंस्ट्रक्शन देता है तो जो इंस्ट्रक्शन आज से एक साल पहले एक आवाज में होता था आपको 5 बार बोलना पड़ता है, क्योंकि आलसी हो गया है। बहुत लीडर लोग यहां पे आलसी हो गया है, सुस्ती हो, सुस्त हो गया है। और अच्छा नहीं है ये बात, बहुत लोग वीआईपी बन गया है और बहुत लोग दुबागरा का बात भी नहीं सुनता, बोलता दुबागरा आए लोग तो, पर दुबागरा का बात नहीं सुनता है। मुझे सब मालूम है क्या हो रहा है, और अगर आपको चेंज करना है, आपको तीव्र रंग चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए कि नहीं तीव्र रंग नहीं मिलेगा, ऐसा चलते रहा नहीं मिलेगा। और दुबारा छोड़ देगा ये फाइल, अगर आप लोग ऐसा चलते रहा तो नहीं मिलेगा।
साथी को ये करने के लिए है। और भरत जो आईपीएफटी से आया, हम लोग आईपीएफटी से बात नहीं करते, क्या बात है यार। टीपा साहब को बहुत मजा आता है ना एक दूसरे से फाइट करने के लिए, आपको बहुत अच्छा लगता है ना अमरपुर कोरबो अम्बासा में बोलने के लिए, बांग्लादेशी गोबैक और अगरतला में जाके दिल्ली यूनिटी बोलने के लिए। इसके लिए मैं यूनिवर्सिटी से पूछना चाहता हूँ, आपको टीपरा लैंड चाहिए, ग्रेटर टीपरा लैंड चाहिए? कैसे मिलेगा, किससे फाइट करना है? किसे फाइट करना है? दुष्यंत ग्रोवर से फाइट करना है, अमरीश पुरी से फाइट करना है, किसे फाइट करना है? अपना ईगो से फाइट मत, अपना ईगो अपना अहंकार से फाइट करो, अपना ईगो से फाइट करो। ये जो जलन है ना, अरे परितोष के पास नया गाड़ी आ गया, अरे इसको नीचे करो, अरे हमारा बगल में हमारा दोस्त का घर में नया छत पर टीन आ गया है, रंग कहां से आया, उसके बारे में खराब आप बोलो सोशल मीडिया में, खराब देखो जो अभी एनिमेशन हो रहा है। बहुत मजा आता है ना हम लोगों को एक दूसरे से फाइट करके, और एक दूसरे से फाइट करते करते आज भुकुमबारा का राज कौन कर रहा है? कोई भुकुमबारा भुकुमबारा का राज नहीं कर रहा है, कोई बाहर का आदमी आज हम लोगों पर शासन कर रहा है। और आज भी हमको एक दूसरे से फाइट करना है। तो अगर आपको ग्रेटर त्रिपुरा लैंड चाहिए यूथ को, विजय रामपाल हैज गिवन 56 years, 56 साल दिया है विजय रामपाल ने त्रिपुरा साहब के लिए फाइट करते करते। लेकिन अब विजय रामपाल अपना ही फाइट नहीं कर रहा है, विद गॉड्स ब्लेसिंग ही 75 नाउ 74 76। कितना साल बाकी है विजय रामपाल के पास? मेरा नाम राजमाता विभू कुमारी देवी 78 79, कितना साल बाकी है? तो क्यों फाइट कर रहा है विजय रामपाल? आपके लिए, और आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, ईगो जेलसी जलन। अगरतला में जाके एक बार देख के आओ कि आपका मालिक कौन है, हम आपको लिख के दे सकते हैं, कोई हुकुम पर आपका मालिक नहीं, क्योंकि ये ईगो जेलसी जलन इसके लिए आज हम लोग अपना ही हां में नौकर बन के बैठे हैं। वीसी इलेक्शन नहीं हुआ, होना चाहिए था, तो क्यों नहीं हुआ? कौन डरता है? कौन डरता है? डरता है ना आपको बस दम में फाइट करने के लिए। हम आपको बोले आप लोग के अंदर फाइट करने का दम नहीं है, आज मैं फाइट कर रहा हूं, आप लोग फाइट नहीं कर रहे, मुझे हटा दो, मुझे हटा दो। सुनो सुनो सुनो, मैं बात डायरेक्टली बात कर रहा हूं, मीडिया के साथ आप लोग गलत नहीं है, मुझे हटा दो और देखो क्या फाइट है। हटा के मुबाकरा को हटा के फाइट करके दिखाओ, गोल मार्केट में अगरतला में सब गोल मार्केट में रखे सा सा साबुन दिया तो साबुन ये हो जाएगा आपका। ब्रूकली किसने फाइट किया?
बाजीगर दिया है फैक्ट्री ऑफ ग्रुप के लिए, ग्रुप के लिए किसने फैक्ट्री है, किससे फैक्ट्री ऑफ ग्रुप को मिजोरम से प्रत्यक्ष में था आज सुप्रा में नहीं किया, किससे फैक्ट्री क्या दिया अमरपुर में जिसको मैंने हेल्प किया उसी ने मेरा पुतला को फूका आग लगाया और लाख मारा। आज तक वही लोग हिम्मत नहीं होता है अमरपुर में आमरा बंगाली का पुतला को जलाकर आग मार के लिए प्रोटेस्ट करो, लेकिन अपना मुबादला का हानि मुबादला को किया जिसको मैंने मदद की कोरोना में। सोचो समझो आप लोग, आज ये प्रतियोग मानी किया ना, हमको पॉलिटिक्स में कोई शौक नहीं है, मुझे पॉलिटिक्स करने का कोई शौक नहीं, मैं सिर्फ आपको कुछ देना चाहता था, महाराजा वीर विक्रम का सपना को पूरा करना चाहता था। मेरा मां राजमाता वीर कुमारी देवी को बोलना चाहता, मां आपका बेटा टिपरा शाह के लिए कुछ कर रहा है, अपना राज्य के लिए, अपना देश के लिए कुछ कर रहा है, इसके लिए और मैं आपको बोल रहा हूं मैं ज्यादा जिंदगी पॉलिटिक्स में हूं, मुझे ना पैसा चाहिए ना मुझे इलेक्शन फाइट करना है, चीफ मिनिस्टर नहीं बनना है, कॉन्टेस्ट भी नहीं करना है, और मैं तो चाहता हूं यहां में आप लोग यूथ लोग हैं ना, मैं आपको एक बात बोलता हूं, ये पॉलिटिक्स में क्या होता है हर पार्टी में ठीक बोला, पार्टी को देखो, नेहरू का बेटी इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का बेटा संजय गांधी, दूसरा बेटा राजीव गांधी, उसके बाद सोनिया गांधी, उसके बाद राहुल गांधी, अखिलेश यादव का पिताजी मुलायम से, अखिलेश मुलायम सिंह का भाई शिवपाल यादव, आप तमिलनाडु में लगे तो डीएसके में करुणा रेड्डी, उसके बाद स्टालिन, आंध्र प्रदेश में वाईएसआर रेड्डी तब जगह रेड्डी, बिहार में लालू प्रसाद तब रबड़ी रबड़ी यादव, उसके बाद तेजस्वी, बाला साहब ठाकरे, उसके बाद उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, अब आदित्य ठाकरे, सब परिवार बनाकर रखा है। मुझे देखो मेरा परिवार से कोई भी टिपरा उठा ले मेंबर नहीं, मैंने कभी भी अपना फैमिली को सामने नहीं रखा, और आप लोग यूज लोग हैं ना, आप लोग करना चाहिए मुकाबले का पार्टी में कैसा चांस मिलेगा, मेरा शादी हुआ है, अगर एक साल बाद शादी हुआ बच्चा होगा 25 साल तक तो मेरा बच्चा टिपरा मठा का प्रेसिडेंट का पोस्ट लिए बैठ नहीं जाएगा ना, तो 25 साल तो आपका है, चलाओ ना ये पार्टी आपका है, लेकिन यूथ का इस्तेमाल कौन करता है, लीडर्स खुद का यूथ ही लीडर्स को इस्तेमाल कर रहा है। एक टाइम अनिमेश यूथ लीडर था, राजेश्वर यूथ लीडर था, विजय बाहू टीयूजेएस हुआ, विजय आपका रिसेंट होता यूथ लीडर, दिनेश शर्मा टीएसएस था 1993 में, आई थिंक दशरथ देव के खिलाफ फाइट किया रामचंद्र गांधी, यूथ का होता है त्रिपुरा सोशलाइजेशन, यूथ सब है, लेकिन यूथ का काम और यूथ का लक्ष्य क्या है, मैं चाहता हूं कि पॉलिटिशियन चाहता है कि आप
एमएलए बने, एमपीसी बने, मैं चाहता हूं कि आपको नौकरी मिले, मैं चाहता हूं कि आपको अच्छा सा शिक्षा मिले, मैं चाहता हूं कि आपके घर में बिजली रहे 24 घंटा, रास्ता ठीक रहे, हॉस्पिटल रहे। लेकिन अगर आप सिर्फ पॉलिटिक्स ही सोचते रहे तो सिर्फ एमएलए मंत्री और एमपीसी सोचते रहे बस। यही युद्ध ने तीपरा मोथा को 2021 में पावर में लाया। आप जानते हैं कैसे युद्ध ने पावर में लाया तीपरा मोथा को? कोरोना के टाइम काम कर क्या किया आपने काम करोना के टाइम? यही में हली प्रश्मी उदय रुने राजेश आपको एमबीसी नहीं था, आपको ईएम नहीं था, सुहेल को ईएम नहीं था, ये अपना परितोष आपको तो लीडर नहीं था। उस टाइम आपने काम किया इसके लिए आज आपको फल मिला है। ठीक बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? तो मैं आपको पूछना चाहता हूं अभी क्या हो गया, अभी क्या हो गया, अभी क्या बोलता पिक्चर अभी बाकी है। आपको सिर्फ आपने कोरोना में काम किया लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि अभी आपको ग्रेटर तीसरा लैंड के लिए फाइट करना पड़ेगा। बीजेपी का लीडर ने बोला है ये बात। अरे राजा की को
अब यू को हम एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप 3 महीना अपने आप को नहीं दे सकता है क्या? 3 महीने रोक नहीं सकता आप? 3 महीने नहीं रोक सकता अपने आप को आप? अगर आप 3 महीना अपने आप को रोक नहीं सकता है तो त्रिपुरा का कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 3 महीना फंसा रखा आपने और 3 महीना हमने फाइट किया और मैं आपको बोल रहा हूं त्रिपुरा में हिंदुस्तान में इतना रुपया का प्रिंटिंग नहीं हुआ है जो मुबादला को खरीद सके, लेकिन इस बार आपका सपोर्ट चाहिए और इस बार मैं सब वीडियोस को बोल रहा हूं यहां डिस्ट्रिक्ट से, आप ब्लॉक प्रेसिडेंट हो, यूथ प्रेसिडेंट हो, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो, कुछ भी हो, ईएम हो, एनडीसी हो, मैं आप सबको सीनियर लीडर में आप सबको यूथ गुरु ही बोलो तो मैं सबको एक बात बोलना चाहता हूं, अगले 3 महीने तक हम लोग कोई लीडर नहीं है, हम लोग सबसे पहले त्रिपुरा सा है, ये फाइट त्रिपुरा सा का फाइट है और ये फाइट अगर त्रिपुरा सा बन के फाइट किया ना तो त्रिपुरा सा जीतेगा, अगर ये फाइट If we fight this battle as individuals, we shall lose. But if we shall fight as a community, then we have the protection of the God and we will win. And I will tell you one thing. You can either die as individuals. आप अकेला मर सकता है या एक परिवार बन के जीत सकता है, ये आपका चॉइस है, ये आपका चॉइस है। और मैं आपको बोलने वाला हूं, मेरे हाथ में तलवार देखा है आपने कभी? ये तलवार मनीष का फैमिली का हाथ से 800 साल से एक बार भी जमीन में नहीं गिरा है, ये जो सही है आज तक हमारा हाथ से नहीं गिरा है, हम आपको बोल रहे हैं, हम सबको आदर करता है, हम राहुल गांधी को आदर करता है, नरेंद्र मोदी को आदर करता है, सीताराम जी को आदर करता है, हमारा किसी का प्रॉब्लम नहीं है, हमको इस बार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड, हमारा सर्वाइवल और एग्जिस्टेंस के लिए हमको चाहिए और इस बार किशन आपने बोला खून देने के लिए तैयार है ना, क्यों खून देता है यार, 70 साल से खून देते रहा, दादा में खून दिया, चोरेबारी में जो मारता है तब खून देता है, माधवबाड़ी में खून दिया, विश्वजी के पर्व में खून दिया, मंत्री राम कैसे ने खून दिया, डिजिटल चौथे ने खून दिया, खून देने से कुछ नहीं होगा, थानसा को ईगो को छोड़ो और थोड़ा सा दिमाग को ठंडा रखो, दिमाग को ठंडा रखो और यहां में जो भी एडीसी में जीत गया है, यहां सब जोनल चेयरमैन है, जोनल चेयरमैन है, ट्रेलर मौसम आदि है, आप लोग भी तीसरा मोर्चा का मेंबर है, YTF प्रेसिडेंट रुनिल, आप YTF प्रेसिडेंट बाद में बना, आप MDC बाद में बना, आप मुबादला के संग 15 साल तक काम किया, आपने कोरोना के टाइम आपने हमको हेल्प किया, हमने त्रिपुरा सा को बाहर बाहर से बैंगलोर, हैदराबाद, गुवाहाटी, चेन्नई, दिल्ली, शिलोंग सब जगह से लेके आके हमने मदद किया, वो टाइम तो नहीं सोचा था ना कि मदद करने से हम लोग MDC बनेगा, लीडर बनेगा, नहीं, त्रिपुरा सा था इसीलिए हेल्प किया,
हरी नेता बनने के लिए हेल्प किया था कि दिल से हेल्प किया था हमको बताओ। तो जब दिल से उस समय हेल्प किया तो आज है आपका दिल कहां है, आज दिल कहां है आपका? क्या थोड़ा सा पावर आने से हम लोग इतना बदल जाए? आज आप अपने ही राजा को देख लो, बाबरा को देख लो, मेरे पास ना कॉन्वॉय है ना मैं एक ऑफिशियल गाड़ी इस्तेमाल करता हूं। आप एयरपोर्ट में देखो कोई प्राइवेट सेक्रेटरी नहीं है। हम बदला है, हम बदला है क्या? जब आपका राजा नहीं बदला तो आप क्यों बदल रहे? तो आपका राजा ही जैसा पहले था आज भी वैसे ही है, तो आपको क्या हो गया है कि आधा बदल गया? और हम आपको बोल रहे जिस दिन हमको बेटर सीपरलाइन मिला, अरे आज हम लोग छोटा छोटा चीज के लिए फाइट कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट जॉब थोड़ा सा ब्रेगा बाटा। अगर आपको अपना खुद का राज्य मिल जाता है तो आप जिसके लिए फाइट कर रहा है उसे आपको हजार टाइम ज्यादा पैसा मिलेगा, अधिकार मिलेगा, राइट्स मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, हॉस्पिटल मिलेगा, नौकरी मिलेगा, आपका जिंदगी ज्यादा अच्छा होगा। और सिर्फ 3 महीने बाकी, मैं जानता हूं कि नेक्स्ट टाइम मैं अंबासडर कब आऊ, नेक्स्ट टाइम मैं आऊ इलेक्शन का टाइम होगा, ऐसा बात नहीं कर सकता मैं। लेकिन आज मैंने आपका क्लास लिया है और आपको लगता है मैंने ठीक बोला है? मैंने आज पॉलिटिकल भाषण नहीं दिया, मैंने नहीं बोला कि सीपीएम खराब है, बीजेपी खराब है, कांग्रेस खराब है, मैंने कुछ बोला उनके खिलाफ। हमने सिर्फ बोला कि पिपराशा के अंदर जो कमजोरी है उसको ठीक करने का कोशिश करो, क्योंकि जब तक हम लोग अपना अंदर नहीं देखेगा कि हम लोग का प्रॉब्लम कहां है, तब तक हम लोग बिजी नहीं दे सकता है पिपराशा। अगर आपके पास किसी के पास भी यहां कोई क्वेश्चन है तो मैं 2-3 क्वेश्चन आंसर करने के लिए तैयार हूं। अगर आपके अंदर कोई भी सवाल है मुबादला क्या करना चाहिए तो आज मैं यहां मेरे दे सकता, आप हमसे सवाल कर सकता है, मुबादला आपका सवाल डायरेक्टली आंसर कर देंगे। यूथ हो, गुरुई हो, सैकड़ा हो, सिक्की हो, कोई भी पूछ। It's a very long time. I actually wanted to ask you only some 2 questions, which is running over my head since I've been following Bori Nirmala, Saurabh Devam. What if after we get here, what would be our ideology? Would it be capitalistic or would it be socialist?